हेलो दोस्तों, साइंस फिजिक्स कक्षा 10 टॉप 10 क्वेश्चन प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आज मैं लेके आया हूँ। ये पांच न्यूमेरिकल आप जरूर लगा के जाइए, ये पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं। हमने हर सेट से न्यूमेरिकल निकाला है। ये पहले चैप्टर के पांच न्यूमेरिकल आप जरूर लगा के जाइएगा, आपको एग्जाम में से इनमें से एक न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बता दूं कि मैं इसके आंसर भी दूंगा, ठीक है, इन न्यूमेरिकल के हल भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर द्रव्य से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही रूप पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय अवधारण परिकलित कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं अभी आपको आंसर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उससे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। 2019 क्वेश्चन है। अगर आपको ये तीन चीज पूछता है किसी भी क्वेश्चन में पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल में, तो आपको कम से कम ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें पूछेगा तब, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको आंसर दूंगा सभी का। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, एक 5.0 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। 2019 का क्वेश्चन है। आंसर देखिए, फोकस दूरी, फोकस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अब फोकस दिया हुआ है आपको, 100/20 करेंगे हमारा कितना आएगा, 5 डायोप्टर। अब देखिए ये यूनिट होता है जब हम लेंस की क्षमता निकालते हैं, ठीक है, तो ये डायोप्टर यूनिट यूज करते हैं हमेशा, डायोप्टर में लेंस की क्षमता निकलती है, ठीक है। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े सॉल्यूशन है, मैंने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।